डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के और राज्य सरकारों के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, हेड ऑफ कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, यंग स्टार्टअप एंड मीडिया पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज डिफेंस कनेक्ट 2.0 इवेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह इवेंट हमारे देश की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की राह में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे जानकारी है कि आईटेक्स को इनोवेशन कैटेगरी के तहत प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपको भी जानकारी है। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इससे जुड़े समस्त लोगों और सारे संस्थानों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मैं इस इवेंट में गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल इनोवेटर से लेकर स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंडस्ट्री, आर्म फोर्सेज, एकेडमिया, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड जैसी अनेक मजबूत कड़ियां देख रहा हूं, जिनकी श्रृंखला के सहारे हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी हार्ड सॉफ्ट एसी बेस थियरी के बारे में जानते होंगे। इसका सामान्य सा सिद्धांत है कि सॉफ्ट एसिड्स रिएक्ट फास्टर एंड फॉर स्ट्रांगर बाउंड्स विद सॉफ्ट बेसिस, वेयर हार्ड एसिड्स रिएक्ट फास्टर एंड फॉर स्ट्रांगर बाउंड विद हार्ड एसिड्स, यानी स्ट्रांग पिलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़ते हुए मैं देख रहा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी एक स्ट्रांग बाउंड क्रिएट करेंगे और मजबूती के साथ हमारे शेयर्ड एम की ओर आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज समय और वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है, हमारे पास इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम स्वयं को लगातार मजबूत बनाते रहे। पिछली बार हम सभी एयरो इंडिया 2021 में मिले थे, तब से लेकर अब तक दुनिया किस कदर बदल चुकी है उसका कोई हिसाब नहीं। हर नया खतरा पिछले खतरे से कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होता जा रहा है। हम अभी कोविड पैंडेमिक के संकट से पूरी तरह से उभरे भी नहीं थे कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट का संकट दुनिया के सामने आ गया है। इसके पहले भी कभी मिडिल ईस्ट में तो कभी अफगानिस्तान और कभी पाकिस्तान की अस्थिरता भी हमको देखने को मिली है। इसके अलावा भी ग्लोबल लेवल पर अनेक ऐसी गतिविधियां चल रही हैं